हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम लॉ का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं आज कंपनीज एक्ट से, ठीक है। तो बहुत आसान सा एक्ट है, अभी तो ये बहुत बेसिक लेवल पे है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, जो कंपनीज एक्ट तुम अभी पढ़ रहे हो यही कंपनीज एक्ट इंटरमीडिएट में भी पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 1 होगा, बिल्कुल एज इट इज सारा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो जो चैप्टर 1 कंपनीज एक्ट का यहाँ है वही इंटरमीडिएट में, स्पेशली जो सीए के बच्चे हैं, सीएमए में तो है ही नहीं है, जो सीए के बच्चे हैं उनके लिए ये कंपनीज एक्ट इंटर लेवल पे फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो आप जल्दी से रिवाइज करना शुरू करते हैं कंपनीज एक्ट। इससे पहले हमने अगर देखें तो कंपनी 2013 से पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956। फिर 2013 में नया एक्ट एप्लीकेबल हुआ, ये एप्लीकेबल कब से हुआ है, 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है। यहाँ से ये नया एक्ट एप्लीकेबल हुआ है और ये पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। इंडिया में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। वैसे तो अब इंडिया के सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे ऑन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हमने जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जो आर्टिकल 370 या सेक्शन 35A से उनको मिलता था, वो रिमूव कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 से। तो अब इंडिया के सारे एक्ट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे ऑन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसका बेसिक बेसिक सा है कि हमने ये क्यों लेके आए थे, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 जो था बहुत ही, उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा थे, उसके अंदर पनिशमेंट बहुत हल्की पनिशमेंट हुआ करती थी लूप होल से, ट्रांसपेरेंसी के बारे में कम था। फिर अगर कोई अपने तरफ से कोई फ्रॉड रिपोर्ट करता भी था तो उसको लोग बहुत तंग करते थे, परेशान करते थे, तो उनके ऊपर उनकी सेफ्टी भी कम रहती थी। तो सब चीज़ों को देखते देखते यहाँ पे क्या किया गया, एक नया एक्ट एप्लीकेबल किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ें कि क्यों ये एक्ट आया था और इसके क्या बेसिक एम्स हैं, कंसोलिडेट करना, अमेंड करना लॉ रिलेटेड टू कंपनीज, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए, ग्रोथ ऑफ द कंट्री इकोनॉमी के लिए, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, सिंप्लीफाई लॉ एंड रेगुलेशंस, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स, विसल ब्लोअर्स मतलब जो फ्रॉड को रिपोर्ट करते हैं उनके लिए क्या उनके क्या रोल्स है, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ कंपनी डिस्प्यूट्स एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर वायलेशंस एंड मिसमैनेजमेंट। ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है, और कंपनीज एक्ट में जो इनकॉर्पोरेट हुए कंपनीज उनके ऊपर एप्लीकेबल है, यहाँ तक कि जो कंपनीज पुराने एक्ट में एप्लीकेबल रजिस्टर्ड हुई थी उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है इनके ऊपर भी। बट इन कंपनीज के अलग अलग एक्ट्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनी का एक अलग एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट और एक IRDA एक्ट, फिर बैंकिंग कंपनी के लिए अलग एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो ये एक्ट जो हमारा कंपनीज एक्ट है ये इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, बट अगर इनके स्पेशल एक्ट में कोई बात लिखी गई है तो फिर वो एप्लीकेबल उनके ऊपर हो जाती है, ठीक है। फिर और भी कोई कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है, किसी कंपनी का कोई स्पेशल एक्ट है अपना इनके अलावा, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड ये इनकंसिस्टेंट ना हो विद देयर एक्ट, ठीक है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई वो खोली है बॉडी कॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, वो भी इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो ये सवाल आ सकता है एक या दो नंबर पे, तो किसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है, ट्रस्ट गवर्न बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक। सोसाइटीज जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन तीनों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी की डेफिनेशन कंपनी से तो बहुत ही बेकार सी बोलता है, कंपनी से ये बोलता है कि कंपनी क्या है, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी कंपनी लॉ इन द टाइम फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और प्रीवियसली, जो कंपनीज एक्ट था, तो जो भी अपना को कंपनी रजिस्टर करवाएगा इस एक्ट में या प्रीवियस एक्ट में वो है एक कंपनी। बट ये बहुत ही बेकार सी डेफिनेशन है, बट अगर एग्जाम में पूछे तो हमने इसको डिफाइन करना है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बट सिर्फ यही डेफिनेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें और भी बताना पड़ेगा कि कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर आते हैं, कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, जिसको बोलते हैं हम स्टॉक कैपिटल, उसमें उनका जितना हिस्सा है उसको बोलते हैं उनका शेयर, तो वो हो जाता है उनकी शेयर कैपिटल। वो लोग क्या करते हैं, मिलके बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस में जो प्रॉफिट्स हैं लॉस होते हैं उसको वो शेयर करते हैं।
कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, कंपनी के पास एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी अपने नाम पे असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे किसी पे केस कर सकती है, कोई कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने एक ब्रीफ में डेफिनेशन में कंपनी के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने अपने पास कर ली। अच्छा, इसके फीचर्स पूछ सकता है, एक फीचर्स ऑफ अ कंपनी, तो इसमें फीचर्स कितने लिखने होंगे, जितने नंबर का सवाल है, पाँच नंबर का सवाल है तो पाँच, चार नंबर का है तो चार, छः नंबर का है तो छः। तो सबसे पहला क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब क्या है, कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। वैसे हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा होता है ये कि बिजनेस और उसका जो एंटिटी जो ओनर होता है वो अलग अलग होता है, बट वो अकाउंट्स में होता है, बट कंपनीज में कंपनी को एक अलग इंसान एक्चुअली में बनाया गया। वहाँ पे तो सिर्फ अकाउंट्स के पर्पस के लिए बनाया जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि अलग होता है वो, बट एक्चुअली में कंपनी और उसके जो ओनर है उनको, ओनर जो मेंबर जो है उनको अलग अलग बनाया गया है। कंपनी का एक अपना एक आइडेंटिटी है इन दी आईज ऑफ लॉ, इन दी कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ भी बोल सकते हैं इसको हम। हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, इन दी आईज ऑफ लॉ, इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वर्ड्स लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। सारी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, बट वर्ड्स प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक। अच्छा, कंपनी के पास वो सारी पावर्स हैं जो एक आदमी नॉर्मल ह्यूमन बींग के पास होती हैं, बट उसके पास वो फंडामेंटल राइट्स नहीं होते जो सिर्फ एक नेचुरल पर्सन को ही मिल सकते हैं, जैसे कि राइट टू मैरी, शादी करने का हक किसको है, एक नेचुरल पर्सन को, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं है। तो हमने ये बात यहाँ पे लिख देनी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके अपने पास खुद के पावर्स हैं कि अपने नाम पे असेट्स लाइबिलिटीज खरीद सकती है, और इसमें अगर मेंबर्स की मौत भी हो गई तो भी ये कंपनी चलती रहेगी, इसका अपना एक अलग वो है, ठीक है। अच्छा, और क्या है फीचर्स, अच्छा इसमें केस स्टडी आ सकती है, ये केस स्टडी डायरेक्टली नहीं पूछेगा, सवाल कुछ ऐसा डाल देगा जहाँ पे वो कहेगा कि ओनर और कंपनी एक ही दिखा रहा होगा, क्वेश्चन ऐसा आ रहा होगा दिखेगा तुम्हारे सामने जहाँ पे कंपनी और ओनर एक एक से मिले हुए दिख रहे होंगे, तो तुम्हें क्या बोलना है, नहीं एक साथ नहीं है, ये अलग अलग हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर तुम्हें ये ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस बताना होगा, जिसमें क्या था, एक आदमी था ली जिसने कंपनी खोली थी ली एयर फार्मिंग, इसमें ये क्या था, पायलट था, कंपनी ने क्या किया था, पायलट के नाम पे पॉलिसीज ले रखी थी, एम्प्लॉयज़ के अपने जो है उनके नाम पे एक पॉलिसी ले रखी थी कि कोई भी अगर एम्प्लॉय प्लेन उड़ाते वक्त मर जाता है तो उसको क्या देगी, कंपनी पैसा देगी, इंश्योरेंस का पैसा। तो ली की मौत हो जाती है, ली की पत्नी जब कंपनी से जाकर पैसा मांगती है तो कंपनी कहती है कि ये पॉलिसी तो एम्प्लॉयज़ की थी, आप तो कौन हो, ओनर की वाइफ हो, तो आपकी जो ओनर को थोड़ी मिलता है, वो तो एम्प्लॉयज़ के लिए लिया गया था। तो तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कि जो ओनर है वो अलग है और जो उसकी कंपनी है वो अलग है, दोनों एक नहीं है, और ओनर एक जो मेंबर है वो कंपनी में अलग अलग हैसियत से मल्टीपल जगह पे एक साथ काम कर सकता है, मतलब एक मेंबर भी हो सकते हो आप, एम्प्लॉय भी हो सकते हो, डायरेक्टर भी हो सकते हो, यहाँ तक कि लेंडर भी हो सकते हो। कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप शेयर होल्डर ही रहोगे, आप और भी हैसियत से कंपनी के साथ अटैच हो सकते हो, जैसे कि एक एम्प्लॉय, डायरेक्टर या फिर लेंडर, ठीक है। ये सारी बातें तुम्हें इसमें बतानी होंगी। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब मेंबर्स में कम है, मेंबर्स में गो बट कंपनी विल लिव ऑन फॉर एवर, सेंटेंस ऐसा आ सकता है एग्जाम में, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर कमेंट। तो उसका मतलब क्या है, वो बात कर रहा है परपेचुअल सक्सेशन की, कि अगर सारे मेंबर्स की भी मौत हो जाए तो कंपनी अपने आप में चलती रहेगी, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड कैसे होती है, लिमिटेड हो सकती है या तो बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कहाँ तक होगी, टू द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना अमाउंट उन्होंने गारंटी लिया है कि हम वाइंडिंग अप पे करेंगे कंपनी के, उतने तक उनकी लाइबिलिटी रहेगी। शेयर्स में जो पैसा है वो कंपनी को कभी भी देना पड़ वो कंपनी को कभी भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि शेयर कैपिटल का जो फेस वैल्यू है वो वाइंडिंग अप पे ही लिया जाएगा, वो कंपनी कभी भी ले सकती है, बट गारंटी कैपिटल में जितना गारंटीड अमाउंट है वो कब लिया जाएगा, वाइंडिंग अप पे ही, नॉट बिफोर दैट। अच्छा, आप चाहो तो इनकी कॉम्बो भी बना सकते हो, मतलब जिस कंपनी में शेयर्स भी हो और उस कंपनी में गारंटी भी हो, कॉम्बो भी बना सकते हो। अगर आप कॉम्बो बनाते हो तो कॉम्बो में क्या होगा, लाइबिलिटी कहाँ आ जाएगी, शेयर्स के अगेंस्ट आ जाएगी, टू द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, और गारंटी में टू द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय देम। ये वर्ड्स लिखने, गारंटीज अंडरटेकन बाय देम, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, जहाँ पे आप एक अनलिमिटेड कंपनी खोल सकते हो। तो अनलिमिटेड कंपनी में क्या है, मेंबर्स अपने लाइबिलिटी जो है शेयर्स तक तो है ही,
गारंटी वाली भी है, और अगर तब भी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो पा रही तो मेंबर्स के घर के पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जा सकते हैं टू सेटल ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक। नेक्स्ट, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल नहीं है, मतलब मैन मेड नहीं है, क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं है, बट क्रिएशन ऑफ लॉ है, और ये एक लीगल पर्सन है। इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता, बट इट इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है। आगे, अच्छा, इसके अंदर ये भी बताना होगा कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स की एजेंट नहीं होती। जैसे पार्टनरशिप में होता है, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं और फर्म के एजेंट होते हैं। अपने तो प्रिंसिपल, बाकी सबके एजेंट होते हैं, पार्टनरशिप में होता है, म्यूचुअल एजेंसी। बट यहाँ पे कंपनी मेंबर्स की एजेंट नहीं है, मेंबर्स कंपनी के एजेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम पे सेपरेट प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे होंगे वो असेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे उसके। ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, दे आर मेयर प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस मतलब वो सिर्फ पैसा देने वालों में से हैं। कम असेट्स किसके हैं एक्चुअली में, कंपनी के या लायबिलिटीज किसकी है, कंपनी की। ठीक है। जैसे तुम एक गाड़ी खरीदने जाओ लोन पे, तो तुम क्या करते हो, गाड़ी खरीदते हो, मान लो तुमने फाइनेंस कराई गाड़ी SBI से, तो SBI क्या करता है, पैसे दे देता है कार कंपनी को, और तुम क्या करते हो, धीरे धीरे EMI भर के कार की पेमेंट SBI को करते चले जाते हो। तो क्या हुआ, SBI क्या है, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, मतलब प्रोवाइडर ऑफ फंड्स, जिसने पैसे दिए। असेट किसका है, गाड़ी किसकी है, तुम्हारी, क्योंकि तुमने खरीदी। तो ये भी यहाँ पे भी क्या चीज़ है कि हम कौन, अगर शेयर होल्डर हो तुम, तो तुम कौन हो, तुम हो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। असेट कौन खरीद रहा है, कंपनी खरीदी है। असेट किसका है, कंपनी का है। तुम कौन हो, बस प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। तुम्हें उस पैसे पे डिविडेंड मिलेगा, तुम्हें उस पैसे पे ब्याज मिल सकता है अगर तुमने कैपिटल डाली, लोन दिया है। बट असेट किसका है, लायबिलिटी किसकी है, कंपनी की है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हम ये केस डाल सकते हैं, मकौरा वर्सेस नॉर्थ अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर क्या हुआ था, एक आदमी ने कंपनी की जो टिम्बर था उस पर इंश्योरेंस लिया था अपने नाम पे। असेट किसका था, कंपनी का। टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, कंपनी का असेट था टिम्बर, और उस पर इंश्योरेंस लिया। इंश्योरेंस किसने लिया, ओनर ने। और जब वो जो टिम्बर है, वो टिम्बर को आग लग गई, तो वो ओनर जाके पहुंचता है कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी से, क्या कहता है कि मेरा जो टिम्बर हुआ इसका पैसा दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया, क्या बोला कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ली, आपका उस असेट में कोई दिलचस्पी नहीं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है आपका। किसका होना चाहिए, कंपनी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि ओनर का। तो क्योंकि ओनर असेट ओनर नहीं था, टिम्बर का ओनर शेयरहोल्डर नहीं था, तो उसको पैसा नहीं मिला। ये था ये हमारा मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, नहीं मिला वो इंश्योरेंस हो कैसे गया, दैट इज डिफरेंट। वो हमारे को उससे मतलब नहीं है कि क्यों इंश्योरेंस हमने इंश्योरेंस दे दिया, हमारे लिए उससे रिलेवेंस नहीं है। पॉइंट बस ये है कि उसने इंश्योरेंस अगर ले भी रखा था तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कंपनी के असेट्स थे, वो उसके असेट्स नहीं थे। आप अपने ही असेट्स पे इंश्योरेंस ले सकते हो, किसी दूसरे के असेट पे इंश्योरेंस नहीं ले सकते। ठीक। नेक्स्ट, कॉमन सील। कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो लेना चाहे तो कॉमन सील बना सकती है, मैंडेटरी नहीं है। पहले किसी टाइम तक मैंडेटरी था, अब कंपनी के पास कॉमन सील होना मैंडेटरी नहीं है। कॉमन सील है क्या, स्टैंप है कंपनी का, कि जहां कंपनी की कॉमन सील लग गई, मान लिया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन अप्रूव करी है कंपनी ने। ठीक है। ये हो गया कंपनी का, कंपनी सील। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये हम देख इसको डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग अलग रहेगी। मतलब कंपनी को जो चलाएंगे वो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको बोलेंगे मैनेजमेंट, बट कंपनी की जो ओनरशिप रहेगी एक तरीके से किसके पास रहेगी, विद द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। तो मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी नहीं चलाएंगे, चलाएगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक्शंस के लिए लायबल कौन होगा, कंपनी। मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई गलत डिसीजन लिया जिससे कंपनी को लॉस हो जाता है, तो वो कंपनी बेयर करेगी, डायरेक्टर्स को बेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि लॉस किसको उठाना पड़ेगा, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को, यानी कि मेंबर्स को भी, लास्ट में तो उन्हीं को बेयर करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। नेक्स्ट, कंपनी कैन सू एंड बी सूड। कंपनी अपने नाम पे किसी पे केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर कंपनी के नाम से भी केस हो सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, प्रोहिबिशन नहीं। ये वर्ड्स लिखने जरूरी हैं कि यू कैन रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बट यू कैन नॉट इम्पोज प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये वर्ड्स लिख रहे हैं, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, क्या कंपनी एक सिटीजन है, आंसर इज नो, कंपनी सिटीजन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपको सिटीजन बनना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक नेचुरल बर्थ लो, मतलब इंडिया में पैदा होना जरूरी है, या फिर इंडिया में एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आप रहते हो तब आप
सिटीजनशिप ले सकते हो, बट कंपनी सिटीजनशिप नहीं ले सकती क्योंकि वो इंडिया में पैदा नहीं हुई है। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के पास वो राइट्स होंगे जो कुछ ना कुछ सिटीजन्स के पास होते हैं, बट सारे जो सिटीजन्स के पास राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो उनको नहीं मिल सकते क्योंकि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही मिल सकते हैं। नेक्स्ट, क्या कंपनी प्रॉपर्टी है शेयरहोल्डर्स या मेंबर्स की? नहीं, कंपनी अपने आप में एक अलग इंसान है। क्या हम किसी इंसान को ओन कर सकते हैं? नहीं। क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ओन करते हैं? नहीं ना। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स हैं बट वो तुम्हारी ओनरशिप नहीं रखते। आप किसी इंसान को ओन नहीं कर सकते। वैसे ही कंपनी भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी को आप ओन नहीं कर सकते। दे आर नॉट, मतलब शेयर होल्डर्स या मेंबर्स आर नॉट द ओनर्स, द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, दे आर मेयर प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट वेल थियरी। कॉर्पोरेट वेल मैंने बताया था वो क्या है, पर्दा, कि अगर एक कंपनी का काम कौन कर रहा है, कंपनी, पीछे कौन बैठा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और देख कौन रहा होगा आगे, पूरी जनता। तो जैसे समझ लो एक पिक्चर है, मूवी जब देखते हो तुम, तो मूवी देख कौन रहा है, हम सब देख रहे हैं। मूवी बना कौन रहा होता है, डायरेक्टर। एक्टिंग कौन कर रहा होता है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस। ठीक है, तो बाहर दिखाई देते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, पीछे करवाता कौन है उनसे, डायरेक्टर, और आगे देखती है पब्लिक। तो यही सेम चीज़ कंपनी के साथ भी है कि कंपनी को पीछे से चलाएगा कौन, डायरेक्टर, और आगे दिखेगा कौन, कंपनी, और किसको दिखेगी, पब्लिक को। तो हम क्या कहते हैं कि जो काम कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, वही लायबल है, उसके पीछे बैठे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ द कंपनी। मतलब अपने खुद के एक्शन से अगर लॉस हो रहा है तब भी उनको कोई छू नहीं सकेगा। ये है कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, बट कभी कभी हम इस कॉर्पोरेट वेल, मतलब पर्दा, वेल मतलब पर्दा, कभी कभी हम इस पर्दे को उठा के देख सकते हैं या पर्दे को फाड़ के देख सकते हैं। वो कब कब हो सकता है, वो हम देख लेंगे। अच्छा, एक केस स्टडी है, ये सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, एग्जाम में आ सकती है। जैसे ली वर्सेस एयर फार्मिंग है, वैसे ये जनवरी 2021 के पेपर में आई भी थी। ठीक है, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड, इसके अंदर क्या था, एक आदमी था जो कि पहले क्या था, एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, मतलब सोल प्रोप्राइटर था। उसने क्या किया था, अपना जूट शू मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा था, वो सोल प्रोप्राइटर था। उसने अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट कर दिया था इंटू कंपनी। अब कंपनी में मिनिमम रिक्वायरमेंट थी मेंबर्स की, तो उसने अपने घर वालों को भी एक एक शेयर पकड़ा दिए, मतलब बीवी बच्चों को एक एक शेयर पकड़ा दिए, और मेजॉरिटी शेयर क्या करे, खुद अपने पास रखे। तो इसने क्या किया, इसने जब अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कन्वर्ट किया इंटू कंपनी, तो एक तरीके से क्या होता है, कंपनी ना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को टेक ओवर कर रही है। अगर आप किसी के बिजनेस को टेक ओवर करोगे तो उस बिजनेस को पैसे देने पड़ेंगे। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को 39,000 पाउंड्स पे करें, 39,000 पाउंड्स, जिसमें से पेमेंट उन्होंने कुछ ऐसे करी कि 20,000 रुपये तो दिए इक्विटी शेयर्स, 10,000 रुपये की दिए डिबेंचर्स, और 9,000 रुपये दिए कैश में। आई समझ कि कंपनी ने टेक, यह कंपनी, कंपनी ने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, तो 39,000 पाउंड्स बनते थे, जिसमें से क्या किया, 20,000 दिए इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, 10,000 दिए इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, और 9,000 दिए इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की पेमेंट होगी, वो तो चला गया अपने घर, अब कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। अब ये कंपनी अपना काम कर रही है, कुछ टाइम बाद ये कंपनी अपने लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पा रही, तो इस कंपनी की बंद होने की बारी आ गई। तो जब बंद होने की बारी आई, तो लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तो क्रेडिट, इसमें डिबेंचर होल्डर ऑलरेडी बैठा है, याद करो, या यहाँ से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से डिबेंचर आए थे कंपनी के अंदर 10,000 रुपये के, है ना, याद आ रहा है। तो वो जो 10,000 के डिबेंचर्स थे किसके पास थे, सैलमन के पास थे, जो कंपनी का मालिक था, जो शेयर होल्डर था। अब हुआ ये, कंपनी जब लिक्विड लायबिलिटीज पे नहीं कर पाई, तो क्रेडिटर्स ने चिल्लाना शुरू किया कि हमारी पेमेंट करो, हमारी पेमेंट करो। तो पेमेंट करने के लिए जो पैसे बच रहे थे, उस पैसे में से डिबेंचर होल्डर, मतलब यानी कि सैलमन, पहले मांग रहा था, और क्रेडिटर्स कह रहे थे कि नहीं, हम तुझे पेमेंट नहीं करने देंगे क्योंकि तू तो ओनर है। तो केस हुआ, केस में क्या डिसाइड हुआ, क्रेडिटर्स कह रहे थे कि आप ओनर को क्यों पेमेंट कर रहे हो, ओनर की तो पेमेंट बाद में होनी चाहिए, हम तो क्रेडिटर हैं, हमें पेमेंट करो। तो सैलमन कह रहा है, मैं ओनर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर लेंडर हूँ, क्योंकि मैंने डिबेंचर्स के तौर पर लोन दे रखा है कंपनी को, और डिबेंचर्स होते हैं सिक्योर्ड, तो पहले मुझे पेमेंट होगी फिर तुम्हें पेमेंट होगी। तो जब इस केस में झगड़ा हुआ, तो कोर्ट ने क्या डिसाइड करा बताओ, कि डिबेंचर होल्डर को पहले पेमेंट होगी, क्रेडिटर्स की पेमेंट बाद में होगी।
क्योंकि क्रेडिटर्स थे अनसिक्योर्ड और डिबेंचर थे सिक्योर्ड, साइलमन को कंपनी से अलग रखा गया है और ये कॉरपोरेट वेल है, पर्दा है। हम पर्दे के पीछे नहीं देखेंगे कौन है, पर्दे के पीछे बैठे तो वैसे बोर्ड डायरेक्टर में साइलमन ही है, बट हम उसको नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि भाई आगे बैठे हैं लोन में डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स, तो जो पहले सिक्योर्ड है उनको पेमेंट होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा साइलमन वर्सेज साइलमन कंपनी लिमिटेड। अब हम पर्दा उठा के देख सकते हैं या पर्दा फाड़ने की जरूरत पड़े तो पर्दा फाड़ भी सकते हैं। पर्दा मतलब कॉर्पोरेट वेल, तो क्या है, कब कब फाड़ सकते हैं, अगर हमें कंपनी का कैरेक्टर देखना है कि कंपनी का एक्चुअल में नेचर क्या है, कंपनी कहाँ की है, टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज एन एनिमी कंपनी और अ फ्रेंड कंपनी। तो इसमें केस हुआ था डायलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इसके अंदर क्या हुआ था, दो कंपनियां थी, दोनों कंपनियां यूके में बनी है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लो, दो कंपनियां हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों कंपनी यूके में फॉर्म हुई हैं, यूके में इनैक्ट हुई हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये एक दूसरे से सामान खरीदते थे, ये सामान बेचता था और ये खरीदता था, पेमेंट करता था उसकी। ठीक है, तो ये वाली कंपनी क्या कर रही है, बेच रही है और ये कंपनी पेमेंट कर रही है। अब हुआ ये कि मान लो यूके और जर्मनी लड़ाई में चले गए, यूके एंड जर्मनी अगर वॉर पर चले गए तो ऐसा कुछ हुआ। अब हुआ ये कंपनी दोनों यूके में बनी है, इस कंपनी ने इसको पेमेंट करने से मना कर दिया। क्यों, वो बोलती है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी एक्चुअली में जर्मन कंपनी है। ये कंपनी कह रही है पागल हो गए हो क्या, मैं जर्मन कंपनी नहीं हूँ, मैं तो यूके की कंपनी हूँ, मैं यूके में बनी हूँ। ये कह रहे हैं, ये वाली कंपनी कह रही है कि हम तुम्हारा ये जो तुम दिखा रहे हो दुनिया को वो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे तुम्हारे पीछे कौन बैठा है। तो इस कंपनी के जो पीछे बैठे थे वो थे जर्मन बोर्ड डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी जो डायरेक्टर्स थे वो कहाँ थे, जर्मनी के थे। तो ये कंपनी इसको पेमेंट नहीं करी जो इसने सामान खरीदा उसकी, तो इस कंपनी ने केस ठोक दिया। केस ठोकने पे क्या देखा, कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी का ट्रू कैरेक्टर पता करना है तो हम पर्दा हटा के देख सकते हैं। तो उन्होंने जब पर्दा हटाया तो क्या दिखा, पीछे बोर्ड डायरेक्टर्स कौन है, जर्मन है। तो जब आप दो देश जंग पे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है कि एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और चलता वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं सस्पेंड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने बात पढ़ी चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में। तो क्या हो गया, कंपनी इस कंपनी को इसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो क्या निकली, एक एनिमी कंपनी निकली। तो यहाँ पे हमने पर्दा हटा दिया, भले ही कंपनी यूके की फॉर्मेशन थी। अच्छा, अगर कंपनी इज फॉर्म्ड टू इवेड टैक्सेस, अगर कंपनी आपने बनाई गई है टैक्स बचाने के लिए, तो भी अपने कर सकते हैं, पर्दा हटा सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, एक केस था जुग्गीलाल वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, और एक और केस स्टडी है इसमें सर डिंशा मानिक जी पेटिट वर्सेस इनकम टैक्स। देखो, एक केस हुआ था सर डिंशा मानिक जी पेटिट, ये आदमी था सुपर डुपर रिच। तो इस आदमी के पास थी बहुत सारी कंपनीज में शेयर्स थे, तो ये क्या करता था, कंपनी के शेयर्स खरीदता था, उन शेयर्स पर डिविडेंड मिलता था और उस डिविडेंड के ऊपर उसकी इनकम बनती थी, वो टैक्स पे करता था। इसको एक दिन दिमाग सूझा कि यार मैं इतना इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ तो क्यों ना इनकम टैक्स बचाने का एक जुगाड़ लगाऊँ। तो उसने क्या करा, इस बंदे ने, सर डिंशा मानिक जी पेटिट ने चार कंपनियाँ खोली और चारों कंपनियों को अपने अपने शेयर्स बेच दिए। ठीक है, अब ये कंपनियों के पास इन्वेस्टमेंट पहुँच गई, अब डिविडेंड किसको मिलेगा, उन शेयर्स पर जो डिविडेंड किसको मिलेगा, उन चारों कंपनियों को मिलेगा, क्योंकि शेयर्स किसके पास चले गए, चारों कंपनी के पास चले गए। तो जो डिविडेंड आ रहा था अब इनको आ रहा था। और कंपनीज मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें ना कंपनीज बहुत अलग अलग तरीके से टैक्स से बच सकती हैं, अगर खर्चे वर्चे दिखा दें तो टैक्स से बच सकती हैं। तो ये कंपनी क्या करती थी, ये जो चार कंपनियों से खोलती ये कोई काम नहीं करती थी सिवाय इसके कि वो डिविडेंड रिसीव करती थी और वो डिविडेंड सर डिंशा मानिक जी पेटिट को दे देती थी एज लोन, जो कभी रीपे नहीं करता था। ठीक है, क्या किया, इनकम आई इन चारों कंपनी के पास, वो इनकम क्या कर देता था, डिंशा मानिक जी पेटिट को दे देते थे और एज लोन, जो वो लोन कभी रीपे नहीं करता था। तो क्या देखा कि भैया ये जानबूझ के कंपनी खोली गई है टैक्स बचाने के लिए। तो कोर्ट ने क्या बोला, वैसे तो ये कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है बट हम पर्दा हटा के देखेंगे पीछे कौन बैठा है। तो पर्दे के पीछे कौन बैठा था, सर डिंशा मानिक जी पेटिट। तो क्या कहा गया, हम पर्दा हटाएंगे और क्या मानेंगे, ये इनकम किसकी है, डिंशा मानिक जी की है और हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे ना कि कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे पर्दा हटाया गया। अच्छा, और क्या है, कंपनी इज फॉर्म टू अवॉइड लीगल और वेलफेयर ऑब्लिगेशन लेजिस्लेशन। इसमें क्या हुआ था, एक कंपनी थी एसोसिएटेड रबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, उसके वर्कमैन और कंपनी के बीच में केस हुआ। जल्दी से केस स्टडी देख सकते हैं, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ऐसी सिंपली एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के पास उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक वो निकाल रखी है प्रोविजन कि अगर हमारा प्रॉफिट लेट अस सपोज 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है
तो हम तुम्हें देंगे बोनस, ठीक है। तो मैं मान लो मैं हूँ ए लिमिटेड, तुम कौन हो, सारे एम्प्लॉयज़ हो, तो मेरा तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हमारी कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो एज खुशी के मौके पे मैं तुम्हें क्या दूंगा, बोनस दिया करूँगा। तो मैं तुम्हें कई सालों से बोनस दे रहा हूँ, ठीक है, तुम भी खुश हो मैं भी खुश हूँ कि चलो ठीक है। फिर एक दिन मेरे दिमाग में सोचता है कि यार किस तरीके से मैं प्रॉफिट भी कमा लूँ और तुम्हें टैक्स देने से, तुम्हें वो देने से, बोनस देने से बच जाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी और खोल दी, ठीक है, मैंने एक और कंपनी खोली जिसका नाम था मान लो बी लिमिटेड। और क्या किया, मेरे पास बहुत इन्वेस्टमेंट्स थी, कंपनी के पास ए लिमिटेड के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स थी, वो क्या करी, इसको दे दी, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मुझे इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम आनी थी वो अब मुझे नहीं आएगी, किसको आएगी, बी लिमिटेड को आएगी। मेरा प्रॉफिट हो गया कम, प्रॉफिट कम हो तो क्या हो गया, 5 करोड़ से कम हो गया, 5 करोड़ से कम हो तो क्या हुआ, तुम्हारा बोनस खलास हो गया, तुम बोनस नहीं दे पाओगे, ले पाओगे। तो तुमने मुझ पर केस ठोका, क्या कि सर आपने मतलब ए लिमिटेड तुमने क्या किया, तुमने हमारा बोनस बचाने के लिए अपने शेयर इधर ट्रांसफर कर दिए। तो मैंने कहा तो भाई ये तो अलग कंपनी ना, मैंने इसको बेचे तो ये इनकी इनकम है, इनकी इनकम मेरी इनकम अलग अलग है, ए लिमिटेड अलग है बी लिमिटेड अलग है। तो केस ठोका, तो केस ठोकने पे कोर्ट ने क्या बोला कि हम बी लिमिटेड के पीछे का पर्दा हटाएंगे। पर्दा उठा के देखा तो कौन बैठा है ए लिमिटेड के पीछे, बी लिमिटेड के पीछे कौन बैठा है, ए लिमिटेड, क्योंकि ए लिमिटेड ने कंपनी खोली थी। तो क्या बोला कि अगर आप अपनी लीगल लाइबिलिटीज़ या वेलफेयर लेजिस्लेशन की जो प्रोविजंस हैं उनसे बचना चाह रहे हो तो हम पर्दा हटा देंगे। तो पर्दा हटाया तो क्या देखा, ए लिमिटेड की ही कंपनी थी, तो मान लिया कि ये कंपनी इनकम इसकी नहीं है, किसकी है, ए लिमिटेड की है, ए लिमिटेड के प्रॉफिट में उसको ऐड कर दिया और तुम्हारा बोनस वापस आ गया, ठीक। ये हो गया हमारा ये वाला केस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। अगर आपने कंपनी खोली है एज अ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट्स, इसके अंदर भी एक केस स्टडी थी, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। तो जैसे लेट अस सपोज, पूनम नींद आ रही तुझे, मुझे क्या जा जल्दी जा, लेट अस सपोज मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, मैंने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन में अपने ट्रक्स के लिए लाइसेंस मांगा कि मेरे को अपने ट्रक्स चलवाने हैं, मान लो यूपी से पंजाब तक, तो उसका लाइसेंस बनवाना है। तो मैंने मान लो ट्रांसपोर्ट कमीशन से लाइसेंस मांगा, तो मैंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे उसके बेसिस पे ट्रांसपोर्ट कमीशन ने मुझे लाइसेंस नहीं दिया, तो मैं हो गया नाराज़ कि भैया मेरे को लाइसेंस नहीं मिला, ए लिमिटेड हो गई नाराज़। तो ए लिमिटेड ने क्या किया, एक और कंपनी खोल दी बी लिमिटेड, ठीक है, और बी लिमिटेड से क्या कहा, अब तू अप्लाई कर, ठीक है। तो बी लिमिटेड ने अप्लाई करा, तो एक तरीके से कह लो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, ट्रांसपोर्ट कमीशन ने उसको दे दिया। फिर बाद में पता चला कि बी लिमिटेड के पीछे कौन बैठा था, ए लिमिटेड। तो ऐसे सिचुएशन में पर्दा हटा दिया, क्या कहा कि भाई जब तुम्हें रिजेक्ट हो गया था तो तुम ऐसे चक्रव्यूह घुमा के, कान घुमा के, ऐसे नहीं ऐसे घुमाने की पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये हुआ था यहाँ पे कंपनी इस केस स्टडी में, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड में, कि अगर आपको मना हो गया तो आप एक सब्सिडी कंपनी जानबूझ के खोल रहे हो ताकि वो एजेंट की तरह बिहेव करे और लाइसेंस ले ले, तो यहाँ पे पर्दा हटा दिया। नेक्स्ट, अगर कंपनी फॉर्म हुई है फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। अगर कंपनी खोली गई है फ्रॉड करने के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट या लॉ को डिफीट करने के लिए, तो हम पर्दा हटा देंगे। ये तो बेसिक सी चीज़ है कि भाई अगर आप फ्रॉड करना चाहोगे या क्रेडिटर्स के साथ चीटिंग करना चाहोगे, लीगल ऑब्लिगेशन से बचना चाहोगे, तो हम क्या करेंगे, पर्दा हटा देंगे। नेक्स्ट, टू डिटर्मिन द टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी की टेक्निकल कॉम्पिटेंस पता करनी है तो हम पर्दा हटा सकते हैं। इसमें देखो एक केस स्टडी दिख रही है, न्यू होराइजन्स लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। देखो एक इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हूँ मान लो ए लिमिटेड, ठीक है, और मुझे चाहिए टेली कम्युनिकेशन का लाइसेंस, मतलब 4G लाइसेंस, 5G लाइसेंस जो होता है ना, वो लाइसेंस चाहिए मुझे ए लिमिटेड को, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट से एप्लीकेशन, गवर्नमेंट से कहा कि मुझे दे दो, गवर्नमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन, उनको एप्लीकेशन दी। उन्होंने क्या कहा मुझसे, ये बोल के मना कर दिया कि आप एक नई कंपनी हो, अगर आपको 4G लाइसेंस चाहिए, 5G लाइसेंस चाहिए, तो आपको कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, तभी आपको 4G 5G का लाइसेंस मिल सकता है। तो अभी आपको नहीं है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मैं हूँ ए लिमिटेड, मेरे पीछे बैठे हैं ऐसे डायरेक्टर्स, मेरे पीछे ऐसे बैठे हैं ऐसे डायरेक्टर्स जिनके पास वो एक्सपीरियंस है 4-5 साल वाला जो कंपनी चलाने को चाहिए, 4G 5G वाला। तो मैंने फिर केस ठोका गवर्नमेंट के ऊपर, मैंने कहा आप गलत कर रहे हो। तो कोर्ट में जब केस चला तो कोर्ट ने क्या बोला कि दिखाई तो दे रहा है ए लिमिटेड, पर ए लिमिटेड के पीछे कौन बैठे हैं,
ऐसे डायरेक्टर्स जिनके पास वो 4-5 साल की रिक्वायरमेंट जॉब की है वो है, उनको आता है कंपनी चलाना, तो अल्टीमेटली कंपनी तो खुद कुछ करना नहीं, करना किसने है, डायरेक्टर्स नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे पर्दा हटाया और क्या कहा कि नहीं 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 बैठे हैं पीछे 4-5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले लोग, आप इनको लाइसेंस दे दो। तो ये हुआ न्यू होराइजंस लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंपनीज को देखें अलग अलग क्लासेज में तो कैसे होते हैं, कंपनीज को देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो कंपनी आपको मिलेंगी तीन, पहली ओपीसी, दूसरी प्राइवेट, तीसरी पब्लिक। ओपीसी में मिनिमम एक, मैक्सिमम एक मेंबर हो सकता है, प्राइवेट में मिनिमम दो, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं 200, और पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक, अगर आप कंपनी को देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी तो आपको लायबिलिटी के बेसिस पे तीन कंपनी मिल सकती हैं, एक तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तीन हम देख चुके, डिस्कस कर चुके हैं अपने पास। आगे देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हम देख चुके हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा सवाल आ सकता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कब खोली जा सकती है। तो ये जनरली कंपनी तब खोली जाती है जब किसी को कंपनी स्टार्ट करते हुए पैसे की जरूरत नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने में अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तब जनरली गारंटी कैपिटल वाली कंपनी खोलती है, या फिर अगर आप पैसा बाहर से अरेंज कर सकते हो खुद ही, जैसे कि एंडाउमेंट से, या फिर आप अरेंज कर सकते हो थ्रू डोनेशंस, तो ऐसे सिचुएशन में गारंटी कैपिटल वाली कंपनी खोली जाती है जहाँ पे इनिशियली कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट है भी तो आप बाहर से अरेंज कर लोगे, ओनर को डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें डिस्कस कर देता हूँ कि शेयर्स का पैसा आप कभी भी दे सकते हो वाइंडिंग अप से पहले भी, बट गारंटी का पैसा कब देना पड़ेगा, ओनली ऑन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, इनके बीच में डिफरेंसेस इनको पढ़ लेना कि शेयर्स का ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है अपने पास, इनका डिफरेंस एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी, ये तो हमें पता ही है। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब शेयर्स और गारंटी कैपिटल के अलावा भी अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो फिर मेंबर्स अपने पर्सनल एसेट्स, घर के एसेट्स को भी यूज करके कंपनी की लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। नेक्स्ट है, अगर कंपनी को देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो पहला क्या है ओपीसी, तो ओपीसी में एक ही मेंबर होता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज पता नहीं बनाई या नहीं बनाई, इसमें अगर मैं बात करूं मेंबर की तो मिनिमम मेंबर एक, मैक्सिमम मेंबर एक। अगर मैं बात करूं डायरेक्टर की तो उसे मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए, एक, मैक्सिमम कितने हैं 15। ठीक है, तो अगर ये बात नहीं लिख रखी नोट्स में तो लिखना चाहो तो लिख लो कि मिनिमम मेंबर्स तो एक ही, मैक्सिमम भी एक ही, डायरेक्टर्स में एक या मैक्सिमम 15 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी में एक अकेला आदमी है, सोल प्रोप्राइटरशिप से ये अलग है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट अगर आप एक कंपनी खोल लेते हो तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स या टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय द मेंबर। अब ओपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओपीसी में आपको अगर ओपीसी खोलनी है तो पहली बात तो प्राइवेट कंपनी ही खोलेगी और कुछ नहीं खोल सकती, पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती वो कंपनी भी। दूसरी चीज, ओपीसी जो है उसके अंदर जो मेंबर होगा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मतलब कोई फॉरेनर नहीं खोल सकेगा ओपीसी। फिर अगर आपको ओपीसी खोलनी है तो एक अकेले मेंबर हो, अगर एक आदमी की डेथ हो गई, उस आदमी शेड्यूल की डेथ हो गई तो कंपनी कौन चलाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉमिनी शेड्यूल अपॉइंट करके रखना पड़ेगा पहले से, जो आपकी इनकैपेसिटी पे या आपकी डेथ पे कंपनी को चलाएगा। तो अगर आदमी मर जाएगा तो कंपनी कौन चलाएगा, नॉमिनी शेड्यूल जो उसको जिसको खुद ही अपॉइंट करेगा वो आदमी जो शेड्यूल है। ठीक है, अपॉइंट करने से पहले उसकी उसकी कंसेंट लेगा कि भैया क्या तुम मेरी कंपनी में नॉमिनी शेयरहोल्डर बनेगा, तो हाँ बनूंगा, फिर वो उसको बना सकता है। ठीक है, अच्छा क्या हम उसको नॉमिनी शेयरहोल्डर को आगे चले कभी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, अगर शेयरहोल्डर खुद चाहे तो बदल सकता है, नॉमिनी शेयरहोल्डर चाहे तो खुद भी अपना नाम वहाँ से हटा सकता है कि मुझे नहीं रहना इस कंपनी में नॉमिनी शेयरहोल्डर, वो भी खुद भी बदल सकता है, वो हटा भी सकता है उसको। ठीक है, अच्छा क्या एक आदमी दो कंपनी में ओपीसी खोल दो, क्या एक आदमी दो कंपनी में ओपीसी का मेंबर हो सकता है, आंसर इज नो। अब सवाल कैसा आएगा, कहेगा एक कंपनी ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ओपीसी है, ओपीसी में लेट अस सपोज पूनम है शेयरहोल्डर मेंबर, तो ओनर कौन है ओपीसी की, पूनम, तो पी लिमिटेड लेते हैं, पूनम से पी लिमिटेड। अब एक और कंपनी है मान लो काजल के लिमिटेड,
काजल ने अपना नाम दिया हुआ है नॉमिनी शोल्डर का, अपना नाम है काजल का, के लिमिटेड। काजल ने पूनम को नॉमिनी शोल्डर अपॉइंट कर रखा है। काजल ने किसको नॉमिनी शोल्डर अपॉइंट कर रखा है? पूनम को। अब काजल किसी वजह से कंपनी नहीं चला पा रही, इनकैपेसिटी आ गई, काजल नहीं चला पा रही, तो कौन चलाएगा? पूनम चलाएगी। अब पूनम तो पी लिमिटेड में भी शोल्डर है, के लिमिटेड भी शोल्डर बन गई। अभी क्या दोनों में बन सकती है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? जब पूनम को या तो दोनों मर्ज कर दो, या एक बंद करो एक चलाओ बस, या फिर पूनम क्या करे, अपने आप शोल्डर छोड़ दे काजल का और किसी और को बना दे। कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा, मतलब दो में नहीं हो सकते, एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ठीक है चलो आगे। अच्छा आप कौन खोल सकता है? एक ओबीसी, एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। इंडिया में रेजिडेंट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिया में आपको 65 साल रहना पड़ेगा, 182 डेज या उससे ज़्यादा। मतलब सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन हो, आपके लिए और भी क्या ज़रूरी है कि आप इंडिया में पिछले साल रहे हो 182 डेज या उससे ज़्यादा, तभी आप एक ओपीसी खोल सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो दो चीज़ें, सिटीजनशिप भी चाहिए, रेजिडेंट भी चाहिए आपको। ठीक है आगे, सेम चीज़ नॉमिनी शोल्डर के लिए भी याद रखना। हाँ मतलब सर्विस सेक्टर में, मतलब टीचिंग सेक्टर हो गया सर्विस सेक्टर, तो जैसे दो से चला रहे हो, मतलब फिर ओपीसी नहीं होगी, फिर प्राइवेट कंपनी बनेगी वो। ओपीसी नहीं हो सकती दो, एक आदमी की। आप प्राइवेट कंपनी खोल लो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपीसी दो लोग, एक आदमी दो नहीं चला सकता। हाँ खोल सकता है, क्योंकि अभी के लिए वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का। ठीक है अच्छा, आप एक माइनर को मेंबर नहीं बना सकते ओपीसी का। ठीक है, माइनर को बनाओगे तो उसके जो गार्डियन है या पेरेंट है उसी को बनाओगे, और माना जाएंगे कि वही मेंबर है, वही नॉमिनी शोल्डर है। ठीक है अच्छा, ओपीसी एनबीएफसी वाले काम नहीं कर सकती, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी करती है उसको वो ये काम नहीं कर सकती। अच्छा आप ओपीसी को सेक्शन एट कंपनी नहीं बना सकते। सेक्शन एट कंपनी मतलब आप उसको एक प्राइवेट कंपनी में, एनपीओ वाली कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप उसको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आप उसको उसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते, सेक्शन एट कंपनी में। ठीक है अच्छा, अगर आपने एक बार ओपीसी खोल ली और आप उसको कुछ टाइम बाद कन्वर्ट कर जा रहे हैं तो ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी, तो आपको मिनिमम 2 साल तो ओपीसी रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ओपीसी खोली 2-3 महीने बाद करो, नहीं, हमें तो वही करना है, प्राइवेट कंपनी खोलनी है, किसी और को भी मेंबर लेना है अपने पास, नहीं। अगर आपने ओपीसी खोली है तो मिनिमम 2 साल के लिए अभी ओपीसी के तौर पर चलेगी। हाँ बट कि एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको कंपलसरली कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर 2 ईयर्स, वो क्या है? अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से क्रॉस कर जाती है, या अगर आपका एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, और एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग 3 ईयर्स है शायद, ये 3 ईयर्स है 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स लिखा है। अगर आपका ये एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, या आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से इंक्रीज कर जाता है, तो 2 साल की रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत नहीं है, 2 साल से पहले पहले भी आप कंपल्सरली कन्वर्ट कर सकते हो इनटू दिस प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। ठीक है, अगर आपने इनके 1% कंपनी के जो प्रोविजन को तोड़ा, तो पेनल्टी लगेगी। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर भी, ऑफिसर के ऊपर। कितनी पेनल्टी? 10,000 रुपये तक की पेनल्टी है, एंड विद द फर्दर फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रोवर्सी कंटिन्यूज। मतलब 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है अगर आपने ओपीसी के प्रोविजन को तोड़ा, या फिर अगर आप कंटिन्यूसली तोड़े ही जा रहे हो तो 1,000 रुपये हर दिन के पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है आगे, प्राइवेट कंपनी की देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी, तो ये 3 पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे। प्राइवेट कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, ये कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं उठाएगी किसी भी तरीके से, ना तो शेयर्स, ना डिबेंचर्स, ना लोन, मतलब ना बॉन्ड्स, किसी भी तरीके से पब्लिक से पैसा उठाएगी। तीसरा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये 3 चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। क्या? पहला, इसके शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है।
प्रोहिबिट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। दूसरा, ये कभी भी पब्लिक से पैसे नहीं उठाएगी, ना तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ना इन फॉर्म ऑफ लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, किसी भी फॉर्म में नहीं। तीसरा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200, नॉट बियॉन्ड दैट। अब ये 200 वाले पॉइंट में उन्होंने सवाल पूछ लिया, क्या बोला कि भैया इतने इतने मेंबर्स हैं, बताओ ये मेंबर्स हैं या नहीं, मतलब क्या है प्राइवेट कंपनी रहेगी नहीं रहेगी। तो देखो इसके ऊपर एक क्लॉज है, आप 200 लोग तो काउंट करोगे 200, बट इसमें कुछ कुछ लोगों के साथ एक्सेप्शन हैं, कुछ स्लाइट चेंजेस हैं। अगर दो लोगों ने जॉइंटली शेयर्स होल्ड करें, तो उनको हम एक शोल्डर मानेंगे, ठीक है। जो जैसे मतलब एक मियाँ बीवी हैं, दोनों के नाम पे शेयर्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, जॉइंटली शेयर होल्ड करें तो एक ही आदमी को काउंट करेंगे, दो नहीं काउंट करेंगे। दूसरा, अगर आप करंट में कंपनी के एम्प्लॉई हो और आपके पास शेयर्स हैं कंपनी के, तो आपको 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। और तीसरा, अगर आप कंपनी के एक्स एम्प्लॉई हो जिसने शेयर्स खरीदे थे तब जब कंपनी में वो नौकरी कर रहा था, और अभी तक उसने कंपनी छोड़ने के बाद भी शेयर्स नहीं छोड़े हैं, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, इस पर सवाल आ गया है, जनवरी 2021 के पेपर में आ गया था सवाल। क्या था, जनवरी था या मई नवंबर वाला कोई पेपर था, डिस्कस कर रहा हूँ मैं, दोबारा से सुन लो। किसको नहीं काउंट करेंगे, करंट एम्प्लॉई जिसके पास शेयर है उसको 200 में, मतलब ये कितने भी हो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अगर आप एक्स एम्प्लॉई हो, कंपनी छोड़ चुके हो, बट आपने शेयर खरीदे कब थे, जब आप कंपनी में नौकरी करते तब ने आपके शेयर्स खरीदे हुए हैं, और तब से अब तक आपने नौकरी भी छोड़ दी पर अभी भी शेयर्स होल्ड करके बैठे हो, तो आपको शेयरहोल्डर नहीं मानेंगे, मतलब आपको 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक्स एम्प्लॉय ने, ध्यान से सुन लेना, अगर एक्स एम्प्लॉय ने शेयर खरीदे जॉब छोड़ने के बाद हैं तो काउंट करेंगे, जॉब छोड़ने के दौरान ही अगर शेयर खरीदे तो, और अभी भी खरीद के बैठा, होल्ड करके बैठा है, तो काउंट नहीं करेंगे। बट अगर उसे शेयर खरीदे ही जॉब छोड़ने के बाद, तो काउंट करेंगे 200 में। या फिर उसने शेयर खरीदे कब थे, जॉब छोड़ने से पहले, जॉब छोड़ने के बाद उसे शेयर छोड़ दिए और फिर दोबारा खरीद लिए, तब भी काउंट करेंगे। आ गया समझ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी, इसमें कोई मिनिमम पेड शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए। 200 में किसको काउंट नहीं करेंगे, जो प्रेजेंट में एम्प्लॉयज हैं और साथ साथ मेंबर भी हैं, या फिर जो एक्स एम्प्लॉयज हैं और साथ साथ मेंबर्स भी हैं। इसमें शेयर्स का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है, पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते, स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी में फॉल करती है। अच्छा अच्छा जी, अब स्मॉल कंपनी कौन सी है, स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज वी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें डाल दो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इज, यहां डाल दो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इज 2 करोड़, और यहां पे टर्नओवर में प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इज 20 करोड़। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है और हाई पॉसिबिलिटी सवाल पूछा जाएगा कि भैया स्मॉल कंपनी बताओ कौन सी है, वो ना तुम्हारे सामने कंपनी का सेल्स बता देंगे, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल बता देंगे, कंपनी के फ्री रिजर्व्स बता देंगे, जनरल रिजर्व पीएनएल वगैरह वगैरह बता देंगे। तुम्हें बताना होगा कि ये कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं, या फिर उसके आगे साथ में कह देंगे अगर ऐसा हो जाए तो ये कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब उसके अंदर स्लाइट चेंजेस और कर देंगे। तो हमने क्या कहना है, स्मॉल कंपनी कौन सी है जिसमें दोनों कंडीशन पूरी हो, क्या उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 करोड़ तक चलेगा, एंड उसका टर्नओवर पिछले साल में 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो स्मॉल कंपनी है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन टूटी तो वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे पुराना जो एक्ट पहले जो है वो 50 लाख या 2 करोड़, ये पुराना है, उन्होंने हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दिया, देखो लिखा ना हायर अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब्ड, तो जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट अब है वो 2 करोड़ है और यहाँ पे 20 करोड़ है, ठीक है। आगे ये सेक्शन, मतलब ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, एक होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी, मतलब अगर एक होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है तो भले ही इस लिमिट में फॉल करती हो तब भी वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। या अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 है तो भले ही उसकी कैपिटल इतनी हो या टर्नओवर इतना हो, वो कैपिटल वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। या कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट,
कोई स्पेशल एक्ट में बनाई गई कंपनी है तो उसको भी भले ये लिमिट फुलफिल हो रही हो हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। पता है वो तुम इससे ना तुम्हें सारी चीज़ें बता देंगे ऐसी, और क्या कह देंगे, ये एक सेक्शन हेड कंपनी है, या इसकी ये किसी की होल्डिंग कंपनी है, या ये किसी की सब्सिडी कंपनी है। अब बताओ ये प्राइवेट कंपनी है, ये स्मॉल कंपनी है नहीं, तो तुम क्या देखोगे, बस ये देखोगे, ये देखोगे, ये देखना भूल जाओगे, फ्री फंड के नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है अगर कंपनी ऐसी है तो, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी वो वाली कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। तो प्रिस्क्राइब पेड अप शेयर कैपिटल तो कुछ नहीं है, तो भाई पब्लिक कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी वो है जिसके शेयर्स के ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है, और उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 200 तक लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। मतलब प्राइवेट कंपनी के पॉइंट्स को उल्टा कर दो, प्राइवेट कंपनी में क्या था, शेयर्स के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ हटा दो, पब्लिक से पैसा नहीं उठा देते थे अब उठा लेंगे, और मैक्सिमम मेंबर्स कितने थे वहाँ पे 200, यहाँ पे कितने हैं अनलिमिटेड, ये पॉइंट्स लिख दो, क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी, ठीक है। इसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ना ही पब्लिक के लिए है, ना ही प्राइवेट कंपनी के लिए कोई पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। इसमें शेयर फ्री ट्रांसफर है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम मेंबर 7 है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। देखो, एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसकी इसकी ऊपर बैठी है एच लिमिटेड, तो जहां पे भी सिर्फ लिमिटेड लिखा है मतलब पब्लिक कंपनी है, जहां पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है वहां पे क्या है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट होना जरूरी है टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और नॉट, अगर सिर्फ लिमिटेड है तो क्या ये पब्लिक कंपनी। तो ये इसको होल्ड करती है, मतलब इसके पास इसके लेट अस सपोज 55% शेयर कैपिटल है, तो ये क्या बन गई, ये वैसे तो प्राइवेट कंपनी है बट इसको क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी, क्योंकि इसको होल्ड कौन करता है, पब्लिक कंपनी। उल्टा भी हो सकता है, मान लो ए प्राइवेट लिमिटेड है, ये होल्ड करती है एच लिमिटेड को, अब ये क्या है, लिमिटेड है मतलब ये क्या है, पब्लिक है, और ये प्राइवेट लिमिटेड लिखा तो ये क्या है, प्राइवेट। ए प्राइवेट इसकी होल्ड करती है लेट सपोज वही 55% शेयर कैपिटल, तो भले ही ये प्राइवेट है ये भी क्या मान जाएगी, पब्लिक। मतलब ऐसे समझ लो पब्लिक कंपनी अब किसी को भी अपने रंग में रंग लेगी, गाना ना पता नहीं कहाँ का, अपने रंग में रंग ले। तो पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो किसी की भी सब्सिडरी हो या किसी की होल्डिंग हो, वो दूसरी कंपनी का रंग बदल के अपने रंग में मिला लेगी, वो भी क्या बना देगी उसको, पब्लिक कंपनी, भले ही वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। क्या ये भी पब्लिक कंपनी बन गई, मानी जाएगी आर्टिकल से, मानी जाएगी बस, तो ये कर सकेगी ट्रांसफर फ्री ट्रांसफरबल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम कंपनी को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल तो दो मिलेंगी, मतलब वैसे होल्डिंग सब्सिडरी, एक और होता है एसोसिएट कंपनी, वो भी देखेंगे अभी हम। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है, अगर आप दूसरी कंपनी को कंट्रोल करते हो तो आप क्या बन जाओगे, होल्डिंग कंपनी। अब ये कंट्रोल कैसे आता है, ध्यान से देख लेना सब लोग, अगर आपको दूसरी कंपनी कंट्रोल करनी है तो इन दोनों में से कोई भी एक पावर होनी चाहिए। क्या, अगर आपके पास मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर अगर है, मोर देन हाफ से ज़्यादा वोटिंग पावर है तो आप दूसरी कंपनी को कंट्रोल करते हो, या फिर अगर आपके पास पावर है टू कंपोज द गवर्निंग बॉडी ऑफ सम अदर कंपनी, तो हम क्या कहेंगे, ये एक पब्लिक होल्ड कंपनी कंट्रोल करती है। तो जैसे लेट अस सपोज ए लिमिटेड बी लिमिटेड में शेयर कैपिटल होल्ड करती है 60%, तो यहां पे जब मैं लिखता हूं ना वोटिंग पावर, तो वोटिंग पावर होती किसके पास है, इक्विटी शेयर्स वालों के पास। तो अगर आपके पास मोर देन 50% शेयर कैपिटल है इक्विटी, तो हम क्या कहेंगे, आप बी लिमिटेड को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। या फिर अगर ए लिमिटेड के पास ये नहीं है बट ए लिमिटेड के पास ये पावर है
कि बी लिमिट के डायरेक्टर को कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं, कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं, तो क्या कहेंगे, ए लिमिटेड कंट्रोल करता है बी लिमिटेड को। इन दोनों में से कोई भी एक पावर है तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, होल्डिंग कंपनी है या फिर सब्सिडी कंपनी। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लेयर्स का, आप कितनी लेयरें बना सकते हो, तो दो लेयर बना सकते हैं हम बस, मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी हो सकती है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नीचे आप नहीं जा सकते। मतलब चाहो कि सी लिमिटेड की सभी टेक ओवर कर ले, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा सर, क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हो जाए डी लिमिटेड और यहाँ हो जाए ई लिमिटेड, क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि पहली लेयर, ये भी पहली लेयर में काउंट होगा, तो ये दूसरी लेयर में है, ए लिमिटेड के अंदर डी, डी के अंदर ई, क्या ऐसा कर सकते हैं, ये एफ लिमिटेड हो जाए और ये जी लिमिटेड हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, आप दूसरी कंपनीज को भी होल्ड कर सकते हो, एक से ज़्यादा कंपनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे समझो, अपने घर पे देखो, दादा दादी, उनके कितने बच्चे, एक ही थोड़ी है, हो सकते हैं दो जी, तुम्हारे ताऊ जी, पापा, चाचा वगैरह जो भी हैं, हो सकते हैं उनके नीचे भी तो बच्चे हैं, तो हो सकते हैं, पर दो लेयर से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। दो लेयर से ज़्यादा एक ही, दो दो एक्सेप्शन है। अगर आपको तीसरी लेयर रखनी है तो उसके दो एक्सेप्शन है, क्या, अगर आपकी बीच की कोई भी कंपनी एक फॉरेन कंपनी है तब कर सकते हो तीसरी लेयर, या फिर अगर बीच की कोई भी कंपनी, मतलब इनमें से या इसमें से कोई भी कंपनी अगर होल्ली ओन्ड कंपनी है, होल्ली ओन्ड मतलब अगर आप उस कंपनी के 100% शेयर्स होल्ड करते हो तो तीसरी लेयर तक भी जा सकते हो। जैसे लेट अस सपोज ए लिमिटेड बी को होल्ड करती है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड के 100% शेयर कैपिटल होल्ड करती है, मतलब बी के पास क्या है, सी के सारे शेयर्स हैं, तो फिर आप नीचे एक और लेयर खोल सकते हो, ठीक है। या फिर एफ लिमिटेड जी लिमिटेड के, ये जी लिमिटेड क्या है, जी लिमिटेड है एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसा अगर है तो आप नीचे एक और लेयर खोल सकते हो, ठीक है। ये एक्सेप्शंस बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप 100% शेयर्स होल्ड करते हो तो तीसरी लेयर, या फिर अगर आप जिस कंपनी को होल्ड करते हो वो एक फॉरेन कंपनी, मतलब कंपनी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, तो थर्ड लेयर अलाउड है। अभी के लिए कितनी लेयर प्रिस्क्राइब है, दो। अगर आपने दो से ज़्यादा होल्ड कर रखी है तो आपको बाकी की जो तीसरी लेयर है वो छोड़नी पड़ेगी, ध्यान रखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, दो लेयर प्रिस्क्राइब्ड है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, अगर आप शेयर्स होल्ड करते हो फिड्यूशरी कैपेसिटी में, तो फिर यानी कि गुड फेथ में या ट्रस्टी कॉन्फिडेंस में, तो फिर सामने वाली कंपनी आपकी होल्डिंग कंपनी नहीं कराई जाएगी। मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी, तो इस सिचुएशन में भले ही आपके पास 50% ज़्यादा वोटिंग पावर हो, तब भी हम क्या कहेंगे, वो होल्डिंग कंपनी नहीं है। नेक्स्ट, अगला है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी कैसी कंपनी है जिसका दूसरी कंपनी के ऊपर क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लेना है कंपनी में तो कैसे आ सकता है, दो में से किसी एक तरीके से। अगर आप होल्ड करते हो 20% और मोर वोटिंग पावर बट लेस देन 50% या बट अप टू 50%, या फिर अगर आपके पास पावर है टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो हम कहेंगे आप क्या हो, एक एसोसिएट कंपनी। ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड में होल्ड करती है, लेट अस सपोज 30% वोटिंग पावर, तो हम क्या कहेंगे, ए लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है बी लिमिटेड,
या ए लिमिटेड अगर होल्ड करती है 49% वोटिंग पावर, तो भी हम क्या कहेंगे, ए लिमिटेड क्या है, बी लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है, क्योंकि उसके पास क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अच्छा मुझे बताना, ए लिमिटेड अगर होल्ड करती है बी लिमिटेड में 52% वोटिंग पावर, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड क्या बनेगी, हाँ होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, क्योंकि क्या हो गया, 50 से ज़्यादा एक्सीड कर गया, 50 के अंडर अंडर है बट 20 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है बट अप टू 50 है, तो क्या बनोगे, एसोसिएट। 50 को क्रॉस कर गया तो क्या बन जाओगे, होल्डिंग कंपनी, ठीक है। या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आ सकता है, अगर आपके पास पावर है कि आप दूसरी कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो क्या बन जाओगे आप, एसोसिएट कंपनी। मतलब ये ना भी हो बट ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड है पावर टू पार्टिसिपेट, तो हम कहेंगे ये एक एसोसिएट कंपनी बन गई, भले शेयर नहीं भी हो, ठीक है। तो एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में जॉइंट वेंचर कंपनी भी इंक्लूड हो जाती है। जॉइंट वेंचर कंपनी कौन सी है, दो कंपनियां मिलके एक काम कर रही हैं, एक प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रही हैं, अपने अपने असेट्स दोनों ला रही हैं और कंपनी को चला रही हैं, तो क्या हो जाती है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी। तो जॉइंट वेंचर कंपनी को एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। आगे अगर हम देखें कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, कैपिटल का कितना एक्सेस है, तो हमारे पास दो आती हैं, एक है लिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कौन सी है, बच्चे ज़्यादा जवाब देते हैं सर लिस्टेड कंपनी वो है जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं, ऐसे नहीं लिखना। हमें लिखना है अगर किसी कंपनी का कोई भी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है ऑन अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो हम कहेंगे कि ये लिस्टेड कंपनी है। तो अगर एक कंपनी है जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है ऑन अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या है, एक लिस्टेड कंपनी है। और अगर एक अनलिस्टेड कंपनी की बात करें, तो एक ऐसी कंपनी जिसका कोई भी सिक्योरिटी, मतलब ना तो इक्विटी शेयर, ना प्रेफरेंस शेयर, ना डिबेंचर, कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो क्या हो गई, अनलिस्टेड कंपनी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अदर कंपनीज, पहली कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी, एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% या उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, दो या तीन स्टेट गवर्नमेंट मिलकर होल्ड करती हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर होल्ड करती हैं एक कंपनी में 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल, तो हम क्या कहेंगे, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो लेट अस सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड में 20% शेयर कैपिटल होल्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, 25% शेयर कैपिटल होल्ड करती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बताओ क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, ए लिमिटेड क्या गवर्नमेंट कंपनी है, नहीं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मिला के 45% ही बन रहा है। मान लो यूपी गवर्नमेंट भी इसमें शेयर खरीद लेती है 15% शेयर कैपिटल, तो क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, बन जाएगी, क्योंकि तीनों का मिला के 51% या उससे ज़्यादा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन कंपनी कौन सी है, ध्यान से सुनना फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ सेटअप अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू आइदर इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट एंड विच कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इज अ फॉरेन कंपनी। ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन में तीन चार पॉइंट्स हैं। पहला, फॉरेन कंपनी कौन सी, एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। दूसरा, इट हैज़ सेटअप अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, उसने क्या किया है, इंडिया में एक प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप किया है। अब वो जो सेटअप किया है, या तो कंपनी ने खुद किया है या अपने एजेंट के थ्रू करवाया है, वो जो ऑफिस उन्होंने सेटअप किया है वो सेटअप या तो फिजिकल ऑफिस किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली किया है। और पांचवा, वो इंडिया में कोई भी बिजनेस कंडक्ट कर रही है, तो क्या मानेंगे, ये है एक फॉरेन कंपनी। तो ये पांचों पॉइंट्स को लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है। ये पांच पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, पहला इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, दूसरा उसने क्या किया है, इंडिया में एक प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप किया है, वो प्लेस ऑफ बिजनेस या तो उसने खुद सेटअप करवाया या एक एजेंट के थ्रू करवाया, वो प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो या तो फिजिकल ऑफिस है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हैं, और लास्ट वो इंडिया में किसी भी तरीके से कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या मानेंगे, ये क्या है, एक फॉरेन कंपनी। तो इन पांचों को लगा डाला तो लाइफ
झिंगालाला, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन कंपनी कौन सी है? एक ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ काम करना, और अगर उनको कोई इस बीच में कोई प्रॉफिट हो जाता है तो वो उस प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लेंगे, वो अपनी कंपनी में मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। ये डिविडेंड नहीं बांटते हैं, प्रोहिबिशन इनके डिविडेंड के ऊपर, और ये प्रॉफिट आएगा भी तो प्रॉफिट का यूज़ करेंगे अपने ही बिजनेस को प्रमोट करने में, या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ही री इन्वेस्ट कर देंगे, शेयर होल्डर्स को नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सेंट्रल, अगर आपको सेक्शन एट कंपनी खोलनी, मतलब एक एनपीओ खोलनी एज अ कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ लगता है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे मांगना चाहे तो मांग लेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ आपको सेक्शन एट कंपनी का लाइसेंस दे देना चाहिए तो वो आपको लाइसेंस दे देगी, बट होना करना चाहे तो उसके साथ कोई कंडीशन लगा सकती है कि ये कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी एज अ सेक्शन कंपनी, तो फिर सेक्शन कंपनी का लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो ये लाइसेंस है वो वापस छीन सकती है। बट आपका लाइसेंस छीनने से पहले वो आपकी आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी अपनी सफाई पेश करने का कि क्यों आपने कंडीशन पूरी नहीं करी, ये कंडीशन क्यों टूटी, उसके लिए वो आपको टाइम देगा, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गो, अगर आपकी एक सेक्शन एट कंपनी है तो सेक्शन एट कंपनी को अपने नाम के आगे ना तो लिमिटेड लगाना ना प्राइवेट लिमिटेड, कुछ नहीं लगाना, वो अपने मर्जी से जो मर्जी नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं, डिस्कस कर लिया, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, या सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है आप सेक्शन एट कंपनी होते हुए भी प्रॉफिट कमा रहे हो, डिविडेंड बांट रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लाइसेंस वापस ले सकते हैं, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, जल्दी से पढ़ लेना इनको घर पे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है एक डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी कौन सी है? एक ऐसी कंपनी जो कि इनएक्टिव कंपनी है, मतलब एक ऐसी कंपनी जो काम नहीं कर रही। तो कैसे हो सकता है काम नहीं कर रही? या तो उसने अपने पिछले 3-4 साल, मतलब 3 साल से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न को आरओसी के पास फाइल नहीं किया, या उसने पिछले 3-4 साल में कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं करी है, किसी भी तरीके से कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर वो कंडक्ट नहीं कर रही है तो हम कहेंगे क्या है, वो एक डोरमेंट कंपनी है। तो अगर कोई डोरमेंट कंपनी बनना है तो डोरमेंट कंपनी बनने के लिए आरओसी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि प्लीज़ हमें डोरमेंट कंपनी बना दो। क्यों? क्योंकि डोरमेंट कंपनी बनने से कंपनीज एक्ट थोड़ा कम अप्लाई होता है, कंपनी से कि इतने सारे प्रोविजन जो हैं वो नहीं अप्लाई होंगे, थोड़े थोड़े अप्लाई होंगे फिर डोरमेंट कंपनी बनने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? आरओसी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और आरओसी से क्या करना पड़ेगा? प्लीज़ हमें डोरमेंट कंपनी स्टेटस दे दो। वो हमारी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और क्या कहेंगे, अगर उनको ठीक लगता है तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकते हैं। तो मैंने एक वर्ड बोला था, अगर कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक डोरमेंट कंपनी है। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है? 4 चीज़ें हैं, अगर आप वो 4 चीज़ें कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? पहली, अगर आपने आरओसी को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो फीस देनी है अगर वो फीस दी है तो उसको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। दूसरा, अगर आपने किसी भी लॉ को फुलफिल करने के लिए, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ को फुलफिल करने के लिए कोई भी काम करा है तो हम उसको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। तीसरा, अगर आपने अपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए सैलरी पे करी है उसको नहीं मेंटेन करेंगे। या फिर अगर आपने शेयर्स अलॉट करे हैं टू मेंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट, तो अगर आप वो शेयर्स अलॉट करोगे तो हम उसको अलॉटमेंट को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। इन 4 के अलावा कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। मतलब अगर आपने इन 4 के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन करी तो फिर आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निधि कंपनीज। निधि कंपनी कौन सी है? एक ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बताए कि ये एक निधि कंपनी है। वैसे निधि कंपनी की डेफिनेशन क्या है? निधि कंपनी सिंपली एक ऐसी कंपनी है जो मेंबर्स अपने आप में ही खोलते हैं, आपस में ही खोलते हैं और एक दूसरे के ही बेनिफिट के लिए उसको काम करते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ कोशिश करते हैं कि वो सेविंग्स की हैबिट लाएं, अपने ही मेंबर्स को लोन दिया जाता है सस्ते ब्याज दरों पे, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो निधि कंपनी मेंबर्स अपने ही बेनिफिट के लिए खोलते हैं और वो मेंबर्स के साथ डीलिंग करती, किसी और के साथ डील नहीं करती। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हमारा पीएफआई है। तो
तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है? LIC आती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDFC है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, फिर अ स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू इन द UTI एक्ट, इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4A क्लॉज 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, सो रिपील्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ दिस एक्ट एंड सच अदर इंस्टीट्यूशन एज बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI। तो इनको याद कर लेना, कुछ और ऑप्शन नहीं है। LIC है, IDFC है, UTI में जो स्पेसिफाइड कंपनीज हैं, सेक्शन 4A क्लॉज 2 ऑफ कंपनी 1956 या फिर सेक्शन 446 है ऑफ दिस एक्ट के अंदर जो कंपनी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो RBI के साथ मिलकर कंपनी को नोटिफाई किया PFI, ये हमारी PFI में फॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये ख़त्म हो जाता है। अब ये मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन कंपनी काफ़ी हो गया, इसको अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, मैं भी बोलते बोलते बहुत देर से थक गया। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और इसके अंदर जो भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी इतने को हम अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, अभी जो हमने करा इसमें कोई डाउट है? ठीक है, चलो फिर तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।